नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ HP शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है, तो इस बैठक में किन किन फैसलों पर मुहर लगने की संभावना है, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं इस कैबिनेट बैठक में क्या बड़े फैसले हो सकते हैं। तो हिमाचल कैबिनेट बैठक आज, छोटे बच्चों को स्कूल बुलाने पर हो सकता है फैसला। हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है। शिमला में CM जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे, जिसमें प्रदेश के निजी और सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को बुलाने पर बड़ा फैसला हो सकता है। इसके साथ ही कोरोना वायरस के मामलों की ताज़ा स्थिति की समीक्षा करने के बाद सरकारी छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी स्कूल बुलाने का फैसला ले सकती है। वहीं बता दें कि 3rd से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को 17 फरवरी से स्कूलों में बुलाने और 1ली व 2री कक्षा के विद्यार्थियों की कक्षाएं फिलहाल ऑनलाइन ही चलाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा बात करें तो वहीं कैबिनेट बैठक में JVT और CNB शिक्षकों के अंतर जिला तबादलों के विवाद को लेकर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती पर कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही विधानसभा में पेश किए जाने वाले बजट सत्र के बारे में भी चर्चा की जाएगी। वहीं बजट सत्र के शुभारंभ अवसर पर राज्यपाल की ओर से दिए जाने वाले अभिभाषण को भी कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जाएगी। बीते 4 वर्षों के दौरान सरकार की ओर से किए गए कार्यों की जानकारी राज्यपाल विधानसभा में देंगे। तो यही थी बड़ी खबर कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है। तो इस बैठक में छोटे बच्चों को स्कूल बुलाने पर बड़ा फैसला हो सकता है। इसके अलावा मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती पर भी बड़ा फैसला होने की संभावना है। तो यही थी बड़ी खबर। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।